तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है ऑल्टो का VXi प्लस मॉडल। ये इसका ऑल्टो का K10 पेट्रोल वेरिएंट है बेसिकली। और यहाँ पे आप एक पैम्पलेट देख रहे होंगे, अनलॉक हैप्पीनेस विद ड्रीम सीरीज। यहाँ पे मारुति की तरफ से एक ऑफर चल रहा है एस्प्रेसो, ऑल्टो और अपना सेलेरियो के ऊपर, जिसके अंदर आप अपनी घर के अंदर, अपने घर के अंदर बेसिकली अपनी जो ड्रीम कार है, ड्रीम सीरीज़ एक एडिशन इन्होंने निकाला है 5 लाख रुपए के अंदर, जिसके अंदर ये कि ये लिमिटेड पीरियड ऑफ़र दे रहे हैं। बेसिकली ये सिर्फ जून के महीने तक का ऑफ़र है और इसके अंदर आपको कुछ अवेलेबल बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आप ये प्रॉपर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम पे जाके अच्छे से इसको जान सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लूप होल होते हैं वो, जब आप टेबल पे बैठते हो ना तभी पता चलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एक स्टीकर सा दिख रहा होगा जिसके अंदर लिखा है रिवर्स कैमरा, मतलब रिवर्स पार्किंग कैमरा और सिक्योरिटी सिस्टम। यहाँ पे अगर हम देखें तो 9,000 रुपये का कुछ इन्होंने ये लगा रखा है इसके अंदर एसेसरीज, जिसके अंदर ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ड्रीम सीरीज़ के अंदर ये आपको एक एसेसरी पैकेज दे रहे हैं वेरिएंट के हिसाब से। बेसिकली यहाँ पे मैं ये नहीं बोलता कि आपको ज़बरदस्ती की एसेसरीज़ चेपी जा रही है। बेसिकली जो एसेसरीज़ यूज़फुल हैं, गाड़ी से रिलेटेड हैं और डेली यूज़ में वो यूज़ आएंगी, उस फीचर को अगर आप यूज़ करेंगे तो जब गाड़ी चलेगी, तो इसलिए वो एसेसरीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जा रही है और वही चीज़ें आपको एज एसेसरीज़ कॉम्बो पैकेज यहाँ पे दिया जा रहा है। और उसके बाद बन जाती है ये ड्रीम सीरीज़ बेसिकली। तो जैसे ये जिमनी का थंडर एडिशन आया था ना, बेसिकली ये वही कॉन्सेप्ट है सेल्स बढ़ाने के लिए। और पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो बुरा भी नहीं है, क्योंकि आपको एक इंट्रोडक्टरी प्राइस इन्होंने दे दिया है 5 लाख रुपये का। आज हमारे सामने ये VXi प्लस मॉडल, ये इसका ऑल्टो का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और पेट्रोल के साथ, CNG नहीं, सिर्फ पेट्रोल, प्योरली पेट्रोल। अगर स्टार्टिंग की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको मिल जाता है इसके अंदर हेलोजन हेडलैम्प्स, जिसके अंदर आपको कन्वेंशनल हेडलैम्प्स मिलते हैं, हाई बीम लो बीम आपको इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। कोई भी यहाँ पे आपको इसके अंदर नीचे की साइड कोई भी फॉग लैम्प का प्रोविजन नहीं मिलता। आफ्टर मार्केट आप चाहे तो ऑक्सिलरी लैम्प लगवा सकते हैं। ग्रिल जो मिलती है वो मैट ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलती है, इसको भी ग्लॉसी ब्लैक करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई जो इंजन इसके अंदर देखने को आपको मिलता है वो ऑफ़र करता है, पहली बात तो बता दूँ, 1000 cc का इंजन है ये। और यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और जो पावर ऑफ़र करता है ये आपको वो है इसके अंदर 49 bhp और 89 Nm का टॉर्क। डिसेंट इनफ टॉर्क वैल्यू है, पावर वैल्यू है मैं कहूँ। और रिफाइनमेंट के मामले में भी बात करूँ तो 3 सिलेंडर ज़रूर से है, बट कहीं ना कहीं रिफाइनमेंट्स फिर भी ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली मैं बात करूँ टाटा से, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। बाकी इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है। आप सोचो इतना साइलेंट इंजन है जिसके अंदर यहाँ पे कोई भी आपको कैबिन का इंसुलेशन नहीं देखने को मिलते, सीधा सीधा आपको इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। और प्रैक्टिकलिटी में बात करूँ ना, ऑल्टो पर्सनल प्रैक्टिकलिटी में बात करूँ, ऑन रोड प्रैक्टिकलिटी में, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो कार दिखेगी रोड पे वो यही दिखेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे एक बार मैं इसको पैम्पलेट को थोड़ा सा साइड करूँ तो ये कुछ आपको इसका ऑल ओवर स्टांस दिख रहा होगा। बहुत प्रैक्टिकल कार है, बहुत छोटी कार है, कहीं पे भी इजीली आप इसको लेके जा सकते हो, पार्क कर सकते हो। पावर भी अच्छी है, टॉर्क वैल्यू अच्छी है, एसी भी बहुत अच्छा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑल अराउंड पैकेज अगर मैं बात करूँ, किसी को एक सिटी ड्राइविंग कार चाहिए जिसकी 9 to 5 जॉब है, भाई रोज नोएडा जा रहा है, गुड़गांव जा रहा है दिल्ली से, और बहुत ही एक छोटी मिनिमिस्टिक कार चाहिए जिसके अंदर एक डिसेंट इनफ फीचर्स मिल जाएँ, एप्पल कारप्ले मिल जाए, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाए, एसी मिल जाए, बेसिक कॉस्मेटिक फीचर्स मिल जाएँ, बाकी अगर कुछ उसे एक्स्ट्रा लगवाना हो तो एसेसरीज़ में बाहर से या फिर कंपनी से ही लगवा ले, तो उसके हिसाब से बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपको साइज़ कार का बहुत मैटर करता है। कंजस्टेड पार्किंग में आप पार्क करते हो कार को, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो, तो कटिंग कहीं ना कहीं इस गाड़ी की बहुत इंप्रूव्ड है। और पर्सनली बात करूँ आज के टाइम पे प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाए ना, तो देखो बड़ी गाड़ियाँ हर कोई ले सकता है, बट सिटी ट्रैफिक के अंदर और मेजरली गाड़ी हमारी जब सिटी में चलती है ना, तो उसके अंदर एक छोटी गाड़ी ही बेनिफिशियल रहती है। और उसको देखते हुए मैं बोलूँ तो ऑल्टो एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल आपको डील मिलती है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो 145/80R13 की टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है, स्टील व्हील मिलता है, व्हील कैप मिल जाती है, चाहो तो एलॉय व्हील कंपनी से लगवा सकते हो। और इसकी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने और भी डाली है ड्रीम सीरीज़ की, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि आप प्रॉपर कंपनी से एलॉय व्हील यहाँ पे अपग्रेड करवा सकते हो, फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है, ORVM आपको ब्लैकआउट ही मिलेंगे कंपनी से, आफ्टर मार्केट यार पेंट आप इसके अंदर करवा सकते हो, नहीं तो कैप भी मिल जाती है, बंद भी इसको आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके अंदर क्लोजिंग नहीं आती है।
एक आपको की नॉब यहाँ पे मिल जाता है, बट ये नहीं है कि आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती। भाई कीलेस एंट्री तो एटलीस्ट मिल जाती है, क्योंकि रिमोट लॉकिंग इसके अंदर प्रॉपर आता है। लॉक एक सेकेंड, लॉक के लिए इसके अंदर ना लॉक अभी नहीं हो रहा क्योंकि ये हुड खुला हुआ, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। इसको भी हम एक बार यहीं पर चेक कर लेते, अभी भी नहीं हो रहा। ओके, बूट स्पेस खुली हुई है, मैंने बूट खोल के रखा था ना। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स आपको मारुति की गाड़ी में मिल जाते हैं देखने को, बट भाई इसका लॉक काम ही नहीं कर रहा। पता नहीं अब क्या दिक्कत है, मैंने दोनों चीज़ें जो खोल रखी थी वो बंद कर दी। उसको छोड़ो, काम तो करेगा यार ये चीज़, बट कोई मैल फंक्शनिंग होगी कार के अंदर। ये शोरूम में खड़ी करते हैं ना, तो उसमें ये बैटरी का कुछ टर्मिनल या फिर कुछ ऐसा स्विच इसके अंदर जो है ना वो निकाल देते हैं, जिससे गाड़ी लॉक ना हो, क्योंकि बार बार कस्टमर के लिए अनलॉक करना मुश्किल हो जाता है इनके लिए, तो गाड़ी लॉक ना हो इसलिए अनलॉक ही रहती है। बाकी अगर बात करूँ तो साइड लैंग्वेज मैंने आपको दिखाई, प्रॉपर डोर आपको वाइट ही मिलेंगे, कलर वाइट आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। बैक पीछे से अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ये हेलोजन बेस्ड आपको इसके अंदर हेडलैम्प्स मिलते, टेल लाइट्स मिलती हैं बेसिकली, जिसके अंदर आपको कोई भी एलईडी फंक्शन नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे एक कॉस्ट कटिंग छोटी सी कर रखी है कि यार यहाँ से जो रिवर्स लैम्प है एक साइड से वो उड़ाई रखा है, तो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद पर्सनली। यहाँ से आपको मिल जाता है 30-35 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि आपको E20 के साथ देखने को मिलेगी। आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑल्टो की बैजिंग देखने को मिलती है, ऑल्टो K10 की बैजिंग, सुजुकी का लोगो। यहाँ पे अगर बात करूँ तो इन्होंने इस साइड कैमरा यहाँ पे लगा रखा है, चाबी से ही बूट खुलेगा या फिर अंदर से लीवर खींचना पड़ेगा आपको। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मार्शल ट्रे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ बात करूँ तो डिसेंट इनफ साइज़ की भाई बूट स्पेस देखने को मिलती है, पर्सनली बोलूँ तो काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है। और यहाँ पे आपको जैक पैक देखने को मिल जाएगा, बुकलेट देखने को मिल जाएंगी, और आप इसको आगे भी रख सकते हैं बाकी बुकलेट्स को तो, और जैक की जो प्लेसमेंट रही वो आप नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पर्सनली, तो ये कुछ आपको स्टेपनी व्हील देखने को मिलता है, वही सेम 13 इंच का टायर देखने को मिलेगा आपको। और प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में बहुत अच्छी है। यहाँ कवरिंग आपको इस वाले मॉडल में देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी प्रॉपर कवरिंग देखने को मिलेगी, बट अगर आप इसके नीचे वाले मॉडल्स में जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग होती है। साइड में से ये कपड़ा हटा देते हैं, पार्शल ट्रे हटा देते हैं, पार्शल ट्रे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लॉक के साथ देखने को मिलती है कि अगर आप हाई स्पीड पर चल रहे हैं तो ये वाइब्रेट ना करे। यहाँ पे भी आप डिसेंट इनफ सामान रख सकते हैं, भारी सामान नहीं रख सकते, टूट जाएगी भाई ये। और यहाँ पे आपको एक जो अपना पीछे की तरफ भी क्लाइडिंग देखने को मिलती है प्लास्टिक की, क्योंकि इसकी पीछे वायर्स होती हैं और प्रॉपर हिंजेस होते हैं, तो वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती। बैक मिरर में आपको सिंपल प्लेन ब्लैक मिरर देखने को मिलता है, कोई भी इसके अंदर आपको मैं कहूँ डिफॉगर वाइपर का प्रोविजन नहीं मिलता टॉप मॉडल के अंदर भी। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाता है। पर्सनली मैं चाहता था कि एटलीस्ट यहाँ पे एक वाइपर का प्रोविजन तो दे दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, और डिफॉगर का भी, क्योंकि टॉप मॉडल अगर कोई ले रहा है तो उसको ये फीचर्स मिलने चाहिए। ऊपर डिटैचेबल आपको एंटीना देखने को मिलता है, एंटीना इसके अंदर यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने, और ये एंटीना भी अगर पीछे कर देते तो बाहर से कस्टमर इसके ऊपर शार्कफिन एंटीना लगवा लेता। बाकी अगर यहाँ पे इंटीरियर की बात करूँ तो ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है। फीचर्स की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, देखो ऑल अक्रॉस मॉडल्स जो ऑल्टो है वो सेम ही आती है, बट कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं टॉप मॉडल के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहले तो बता दूँ जो फ्यूल लिड है और बूट है वो आपको यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, जो आपको बोनट है उसका एक्सेस यहाँ मिल जाएगा। बाकी अंदर बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको एक प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर फ्यूल इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको कितनी किलोमीटर कार चली है वो देखने को मिलेगी। एज सच यहाँ पे कोई माइलेज का प्रोविजन नहीं मिलता, बाकी अगर मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे कोई भी आपको माइलेज का प्रोविजन नहीं मिलता। हाँ माइलेज मिलती है, एवरेज देखने को यहाँ पे मिलती है आपको, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इन्होंने एवरेज का इंडिकेटर भी दे रखा है। आप सोच के देखो, 1000 CC का इंजन आपको सिटी के अंदर 15 की माइलेज दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है यार। क्यों CNG में ये वाली गाड़ी लेनी, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो रेंज भी आपको ये प्रॉपर बताएगा पेट्रोल के अंदर, तो वो चीज़ें काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है। मैं पर्सनली बोलता हूं लोगों को कि अगर आपको एक ऑल्टो लेनी है ना, या फिर एस्प्रेसो लेनी है, या सेलेरियो लेनी है, इनके इंजन इतने ज़्यादा रिफाइंड है ना कि आपको ये सिटी के अंदर ही 15-16 की माइलेज निकाल के देंगे। हाँ अगर आपको अब इससे भी ज़्यादा माइलेज चाहिए, और माइलेज चाहिए आपको सिटी के अंदर यार 28-29-30 की, तो वो तो देखो फिर CNG ही लेनी पड़ेगी, फिर आपको बूट कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर से करना पड़ेगा। बट अगर आपको बूट स्पेस भी चाहिए और माइलेज भी डिसेंट इनफ चाहिए कि यार सिटी में मेरे को दे दे 16-17 की माइलेज, तो इतना तो ये निकाल देगी अच्छी ड्राइविंग के ऊपर। और पर्सनली मैं कहूँगा तो फिर पेट्रोल ही लो, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। आपको दोनों चॉइस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर माउंटिंग कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, इस वाले वेरिएंट से 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है हार्मन कार्डन की स्क्रीन, जो कि ज़रूर से थोड़ी सी ओल्ड फैशन है, बट मैं फिर भी कहूँगा इसके अंदर आपको कनेक्ट
तक के फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से अगर आप यूएसबी सॉकेट से इसके अंदर ऑक सॉकेट भी देखने को आपको मिल जाता है इस वाले वेरिएंट के अंदर। अगर आप यूएसबी सॉकेट से एक वायर कनेक्ट करेंगे या फिर एक डिवाइस आता है यार 2-3 हज़ार रुपये का, उसको अगर यहीं पर परमानेंट छोड़ दोगे तो आपका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेसली वर्क करेगा। तो पर्सनली बोलूंगा ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। और कंपनी फिटेड स्क्रीन की ना बात ही कुछ और होती है, ये चीज़ें खराब नहीं होती, ये चीज़ें हैंग नहीं होती, ये चीज़ें लैग नहीं होती हैं। तो वही चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको लेना ही है तो एक प्रॉपर टॉप मॉडल लो जिसमें आपको सिर्फ एक सीट कवर डलवाने की जरूरत पड़े, बाकी सीट कवर भी इसके अंदर आपको साइड में पीयू लेदर देखने को जरूर मिलता है, बीच में फैब्रिक देखने को मिलता है और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी ऐसी है कि इतनी जल्दी गंदी ना हो। तो अगर आप सीट कवर नहीं भी डलवाना चाहते तो सिर्फ एक अच्छे मैट्स और गाड़ी रेडी टू गो है कहीं पर भी जाने के लिए। बाकी पावर विंडो देखने को मिलती हैं आपको फ्रंट की, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको फ्रंट में दो पावर विंडो देखने को मिल जाती हैं, ऊपर आपको कैबिन लैंप देखने को मिल जाता है, माइक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करूँ तो आपको सनवाइज़र देखने को मिलता है, पीछे की तरफ बात करूँ तो आपको कोई भी यहाँ पे पावर विंडो नहीं मिलती, एसेसरीज़ में लगवा सकते हो। फैन स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। और पर्सनली बात करूँ एसी के जो इन्होंने यूनिट्स रखे हैं ना ऊपर की साइड और साइड में, तो उनकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी है और मूवमेंट इतनी अच्छी है कि आपको एक प्रॉपर एयर सर्कुलेशन कार के अंदर प्रोवाइड करेंगे। ये स्क्रीन आपको देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको माइलेज अपना सब कुछ एवरेज माइलेज सब कुछ देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको FM सब कुछ देखने को मिल जाता है। पर्सनली मैंने खुद काफ़ी टाइम इसको यूज़ किया, इसमें FM ब्लूटूथ USB ऑक्स सब कुछ देखने को मिलता है। और पर्सनली बात करूँ तो आपको डिसेंट इनफ स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, आपको ये वॉलपेपर टाइप भी देखने को मिल जाता है, हजार्ड लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और हैंडब्रेक मैनुअल हैंडब्रेक कोई आर्मरेस्ट का प्रोविजन नहीं, आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट आप इसके अंदर लगवा सकते हो। दो कप होल्डर मिल जाते हैं, कुछ फ़ोन रखने की यहाँ पे स्पेस देखने को मिलती है। क्लच काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और रिवर्स कैमरा अगर यहाँ पे मैं लगाऊँ तो आपको कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा रिवर्स कैमरा का। रिवर्स कैमरा भी लुकिंग वाइज सही है और पीछे सेंसर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं इस वाले वेरिएंट से, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट नहीं देखने को मिलती, बट मैं फिर भी कहूँगा अच्छी वाली एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को कंपनी की तरफ से मिलती है, जो कंपनी के स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट आती है। स्टीयरिंग व्हील भी आपको फीचर्स के साथ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने जैसे ही कॉलिंग पे दबाया तो उसने जो लेटेस्ट डिवाइस कनेक्ट था वो यहाँ पे आपको दिखा दिया, तो वो चीज़ हो जाती है। वॉइस असिस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, उसके लिए आपको पेयर करना पड़ेगा अपना फ़ोन। और बेसिक फीचर्स की बात करूँ तो यार फ्रंट की दोनों पावर विंडो आपको एडजस्टेबल मिल जाती है, यहाँ से आपको ORVM एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है कि चलो एटलीस्ट मैं तेज़ बारिश के टाइम में अंदर से ही ORVM के मिरर को एडजस्ट कर सकता हूँ। जो बंद और खोलना है वो तो आप चलो हाथ से ही कर लो, बट उसका भी प्रोविजन आता है आफ्टर मार्केट, आप जाकर इसके अंदर सेलेरियो के या फिर वैगनार के जो ORVM है वो डलवा सकते हो। और वायरिंग होके जो यहाँ पे स्पेस देख रहे हो ना आप, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे जो स्पेस देख रहे हो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो प्रॉपर उसका जो स्विच है वो लग जाता है, ब्रिजा वाला जो आता है बेसिकली, या फिर सेलेरियो के टॉप मॉडल में जो स्विच आता है ना उसके साथ लग जाता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है लगाते हुए, सक्सेसफुल होती हैं ये चीज़ें। तो ये छोटे मोटे चीज़ें अगर आप आफ्टर मार्केट थोड़े थोड़े टाइम में करवा लो तो आपकी गाड़ी ये बहुत प्यारी बन जाती है। और बाहर तो यार काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी होती हैं। पर्सनली ऑल्टो काफ़ी टाइम से अच्छी चलती हुई आ रही है, मैं ऑलमोस्ट 6 फीट हूँ और अगर मैं बताऊँ अपने हिसाब से तो मुझे पर्सनली ये गाड़ी बहुत पसंद है सिटी ट्रैफिक के हिसाब से। एक घर में एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए और उसके साथ एक ये छोटी गाड़ी भी होनी चाहिए, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। और बाकी अभी डिस्काउंट इसके अंदर चल रहा है तो आप शोरूम पे आके प्रॉपर इसके रेट पता कर सकते हो। नहीं मिल रही है गाड़ी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए, मैं आपको एग्जीक्यूटिव का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा शोरूम के, आपको जल्दी से जल्दी अपना मनपसंद की गाड़ी मनपसंद बढ़िया प्राइसिंग पे आपको दिलवा देंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।